देखिए, हर अपराधी यही कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया है। इन लोगों ने झूठ बोला था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो संन्यास तो नहीं ले पाए, लेकिन देश राज्य की जनता ने उनको संन्यास दिलाने पर विवश कर दिया। चंपाई शोरण जी, उन्होंने बोला कि गुरु जी की जो झारखंड है उसको सशक्त बनाएंगे। होने वाले जो अभी तक नामित हैं, अभी विधायक दल के नेता के रूप में अभी मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने लिया नहीं है, तो वो एक मूल रूप से पपेट साबित होंगे, पपेट जिसको कह सकते हैं, मोहरा साबित होंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, दीपक प्रकाश जी हैं, झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। सर, जिस तरह से राजनीतिक घटनाओं को देखें तो पिछले कुछ ही घंटों में ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन का बयान आता है और वो कहते हैं कि हमारा इस जमीन मामले में कोई जो है कि कुछ भी नहीं है, हमें जानबूझकर फंसाया गया है और हमें ईडी ने लास्ट में गिरफ्तार कर लिया। देखिए, हर अपराधी यही कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया है। न्यायालय का काम है, न्यायालय में जा कर के वो अपनी बातों को रखें। अगर अपराध नहीं किया तो न्यायालय से उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। उनके शागिर्द आज जेल में पड़े हुए हैं जी, लगातार बेल जमानत के लिए अर्जियां डाल रहे हैं। कोर्ट में कुछ ऐसी एविडेंस तो ज़रूर होंगे जिसके चलते उनके शागिर्दों को भी बेल नहीं मिल रहा है। इसलिए दाल काली नहीं है, पूरी दाल ही काली है। सर, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने रात में ट्वीट करके बताया कि जो बीजेपी के साथ नहीं आएगा उसका हश्र यही होगा कि उनकी सरकार गिरा दी जाएगी या उनको ईडी के तहत जेल भेज दिया जाएगा। खड़गे साहब को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई कांग्रेसियों को लोकतंत्र की बात कहने की कोई क्षण तनिक भी बोलने की उनके पास नैतिक अधिकार नहीं है। जिन्होंने देश में आज आपातकाल लगाया था, लोकतंत्र की हत्या की थी और सबसे ज़्यादा अपने कार्यकाल में देश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया था, लूटने वाले कांग्रेस है और उसका साझेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो कौन कौन मौसेरे भाई होते हैं ना, तो एक भाई दूसरे भाई के पक्ष में आना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है कि झारखंड को लूटो, इतना लूटो, लूटते चलो कि झारखंड बेहाल हो, झारखंड के नौजवान आज की आत्मा करा रही है। क्योंकि इन लोगों ने झूठ बोला था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे और बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो संन्यास तो नहीं ले पाए, लेकिन देश राज्य की जनता ने उनको संन्यास दिलाने पर विवश कर दिया। चंपाई शोरण जी, उन्होंने बोला कि गुरु जी की जो झारखंड है उसको सशक्त बनाएंगे और जो हमारे साथ घटना घटित हुआ है उस पर जो है कि अभी जो है जंग जारी रहेगा और आज आदिवासी लोग झारखंड के अंदर जो है कि आंदोलन भी कर रहे हैं। आंदोलन स्टेट स्पॉन्सर्ड है, बंद स्टेट स्पॉन्सर्ड है और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो नए मुख्यमंत्री हैं जी, वो होने वाले जो अभी तक नामित हैं, अभी विधायक दल के नेता के रूप में अभी मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने लिया नहीं है, तो वो एक मूल रूप से पपेट साबित होंगे, पपेट जिसको कह सकते हैं, मोहरा साबित होंगे। सर, आज बजट आया है और बजट को लेकर जो विपक्ष के नेताओं का कहना है, अभिषेक मनु सिंघवी का भी बयान है कि बजट में जो है कोई खास चीज़ नहीं है, पुराने ही बजट को सरकार ने इस बार भी दोहराया है। बड़ा दुर्भाग्य है, वे लोग टिप्पणी कर रहे हैं जो देश के विकास को देख नहीं पा रहे, वे लोग टिप्पणी कर रहे हैं जिन्होंने विकास के पैसे को अपने कार्यकाल में लूटने का काम किया था। ये बजट, अंतरिम बजट, समावेशी विकास का प्रतीक है। यह बजट अंत्योदय के सपनों को साकार करने वाला बजट है। यह बजट महिलाएं, आदिवासी, युवा और गरीब के प्रति समर्पित बजट है और इस बजट के माध्यम से मान सम्मान और स्वाभिमान देश के हर नागरिक का बढ़ेगा और भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी और अच्छा प्रदर्शन करके
दुनिया का नेतृत्व भी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद के रिपोर्ट।